हाय, मेरा नाम गोपाल कामत है और आपका गेट योर रेस्टोरेंट चैनल में स्वागत है। मैं एक होटेलियर हूँ और रेस्टोरेंट मल्टीपल रेस्टोरेंट ओनर हूँ और फाउंडर हूँ गेट योर रेस्टोरेंट चैनल का, जहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ आपका खुद का एक अनोना और सॉरी अनोना नाम का कोई वर्ड नहीं होता, एक यूनिक रेस्टोरेंट हो जो आपको प्रॉफिट कमा के दे और आप एक अच्छी जिंदगी आपकी जी सके। सो आज का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे लोगों ने ये चैनल पे कमेंट किया है और सवाल पूछा है कि हम हमारा सेल्स कैसे बढ़ाएं, हम हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़ाएं। सो अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो, और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ। और वीडियोस देखने के बाद आपके मन में अगर कोई सवाल है या फिर कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर कमेंट कीजिएगा। कोई भी लैंग्वेज में कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट करते हैं तो मैं आपके साथ इंटरेक्ट कर पाता हूँ। सो आज का मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कैसे आपके रेस्टोरेंट में सेल्स बढ़ाई जाए। सो बहुत सारी चीज़ें हैं सेल्स बढ़ाने के लिए। सबसे पहले ये सब चीज़ों में जाने से पहले मैं एक बेसिक कॉमन सेंसिकल आंसर देता हूँ। अच्छा खाना, गरम गरम अच्छा खाना, रीजनेबल रेट पे आप आपके कस्टमर्स को देंगे, फास्ट जितना हो सके उतना, तो आपका सेल्स ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा। ये जो सब मैं दे रहा हूँ ये सब बोनस टैक्टिक्स है आपके लिए, बट इनिशियली आपको ऐसा खाना कस्टमर्स को सर्विस देना है जैसा खाना आपको आपके घर में आपकी वाइफ या आपकी माँ आपको खिला सके। सो बेसिकली होममेड फूड या ऑथेंटिक फूड या कोई भी टाइप का खाना हो, वो खाना टेस्टी होना चाहिए, वो खाना रिजनेबल रेट्स में होना चाहिए, और वो जब भी सर्विस देंगे तो एक अच्छे हिंदी में या मराठी में एक सद्भाव के साथ में, एक अच्छे बॉडी लैंग्वेज में कस्टमर को सर्विस देना चाहिए। अगर आपने ये तीन चीज़ों पे फोकस किया तो कोई भी माइकल लाल आपके रेस्टोरेंट को बंद नहीं कर सकता। ओके, सो इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों ये जो सात टॉपिक्स है। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक है ये मेनू डिस्ट्रीब्यूशन करना, आपका सेल्स बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जाए। सो होम डिलीवरीज ये बहुत बड़ा टॉपिक हो गया है आजकल, कि आपके जो रेस्टोरेंट है उसके इर्द गिर्द जितने लोग रहते हैं वो लोग आपके रेस्टोरेंट का से खाना खुद के घर में मंगा दे। कोई भी आपका स्पेशलिटी होगा, शायद पाव भाजी होगा, पिज्जा होगा, बर्गर होगा, मिसल पाव होगा, थाली होगी, या डोसा होगा, इडली, उत्तप्पा, पास्ता होगा, नाचोज होगा, व्हाटएवर, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कस्टमर आके आपके पास ही खा के जाए। आज का ज़माना चेंज हो गया है, बहुत सारे लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं होता, सेकेंडली टाइम अगर होगा तो उनको यहाँ से आपके घर से आके आपके रेस्टोरेंट में जाके खाने का उनका मूड नहीं होता। सो होम डिलीवरीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनके पास आपका मेनू हो ताकि वो मेनू स्टडी कर सके और आपको फ़ोन करके ऑर्डर कर सके। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनू होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब साल में एक बार नहीं, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मतलब 15 दिन में एक बार। तो मान लीजिए आपके घर में सॉरी आपके रेस्टोरेंट के इर्द गिर्द कम से कम एक 5,000 आउटलेट्स 5,000 फ्लैट्स है, तो आप कम से कम महीने में एक बार मेनूज डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा, क्योंकि कस्टमर्स का जो अटेंशन स्पैन होता है वो बहुत कम होता है, भूल जाते हैं गेस्ट लोग, कस्टमर्स लोग, उनको सिर्फ आपके रेस्टोरेंट के बारे में सोचना और रेस्टोरेंट से पाव भाजी मंगाना ये उनका प्रायोरिटी नहीं होता। उनके लाइफ में बहुत सारी टेंशन हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, उनको उनका ईएमआई भरना है, उनके बेटी का शादी करना है, उसके लिए पैसा जमा करने हैं, वो बीवी उधर दिमाग खा रही है, वो भी उनको ठीक कर रहा है, आई एम जस्ट जोकिंग। सो आपको उनके सामने किसी भी हालत में आते रहना बहुत ज़रूरी है, और वो आते रहने के साथ वो कैसा आप करेंगे, अलग अलग कलर में आप हर महीने वही सेम मेनू अलग अलग कलर में अलग अलग थीम में प्रिंट करके बांटिएगा, ताकि आप उनके आंखों के सामने हो। बांटने के लिए आप फिजिकली किसी को भेज सकते हैं, आप न्यूज लेटर्स न्यूज पेपर में डाल के इंसर्ट करके भेज सकते हैं। सो ये सब चीज़ें आप मेन्यू डिस्क्रिप्शन में कीजिए। सेकेंड इज आप उनका एक लिस्ट कंपाइल कीजिए, फीडबैक फॉर्म के द्वारा उनका लिस्ट कंपाइल कीजिए, उनका मोबाइल नंबर सेव कीजिए, उनको एसएमएस कीजिए हर 10 दिन 15 दिन में, ताकि आपका होटल का नाम उनके आंखों के सामने रहे। तीसरा इस बल्क ऑर्डर हमेशा लीजिएगा। कोई भी सोसाइटी आपके इर्द गिर्द रह रही हो, सोसाइटी या अपार्टमेंट्स या जो भी है, उनका हर 6 महीने में या 2 महीने 3 महीने में एक बार आउटिंग होता है,
हर एक हर किसी आपके हर एक कस्टमर के घर में बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी पार्टीज होती है, तो उसका बल्क ऑर्डर का खाना आपको ऑर्डर मिल सकता है, 50 लोगों का खाना, 20 लोगों का खाना, 25 लोगों का खाना, 30 लोगों का खाना, जो आप आपके किचन में बना के वहां पे उनको जाके सिर्फ रख के आ सकते हैं और उनका वो सर्विस दे सकते हैं। तो बल्क ऑर्डर जो है ना, ये एक बोनस है आपके सेल्स के लिए, इसको कभी भी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए। चौथा है हाई कॉस्ट फूड प्रोडक्ट्स। कोई भी आपका मेनू हो तो हमेशा एकदम ही सस्ता मेनू मत रखिए, उसके अंदर कोई कोई आइटम है वो थोड़ा सा हैवी रखिए, या दो तीन आइटम्स को कंबाइन करके क्लब कर दीजिए ताकि उसका जो कॉस्ट है वो बढ़े। वो कॉस्ट बढ़ने से क्या होता है कि आपका सेल बढ़ जाता है, और सेल बढ़ने के बाद आपको उसके ऊपर का जो रेवेन्यू है, वो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट आपको बचने लगता है। पांचवा है ऑनलाइन डिलीवरीज। आजकल जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स आ गए हैं और स्कूटसी आ गए, बहुत सारे ऑनलाइन डिलीवरीज आ गए। आप ऑनलाइन जाके चेक कीजिए, आजू बाजू के आपके रेस्टोरेंट्स में चेक कीजिए कौन सा वाला चल रहा है, और उनके साथ में टाइप करके डिलीवरी करना चालू कीजिए। बहुत सारे जूने रेस्टोरेंट ओनर्स हैं, ओल्ड रेस्टोरेंट ओनर्स, वो बोलते हैं यार ये जोमेटो स्विगी के लफड़े में पड़ने का ही नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आप नए जनरेशन के हैं तो होम डिलीवरी को इग्नोर मत कीजिए। स्लोली एंड स्टेडीली होम डिलीवरी आपके रेस्टोरेंट सेल से ज़्यादा हो जाएगा अगले 5 साल 10 साल में, क्योंकि ये कंपनीज जो है ये छोटी मोटी कंपनियां नहीं है, एक एक कंपनी 2-2, 500-500, 1000-1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लेके आई है। तो वो यहाँ पे रहने के लिए आई है, वो यहाँ से जाने के लिए नहीं आई, और वो यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आई है। और जो उनका कमीशन है, मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि उनका कमीशन आपको ज्यादा गिर रहा है, तो उतना आप रेट थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, बट ऑनलाइन में डिलीवरी में प्रेजेंस रहना बहुत जरूरी है। छठवां है कम्युनिकेशन विद योर लिस्ट। ये जो लिस्ट आप बनाएंगे, ये लिस्ट के साथ में कम्युनिकेशन कीजिएगा वाया SMS, वाया ईमेल, वाया फिजिकल पोस्टकार्ड्स, वाया न्यूज़लेटर्स, ताकि आप अपने कस्टमर के सामने रहिए। ये सब एक्टिविटीज में थोड़ा सा तकलीफ है, बट अगर आपको सेल बढ़ाना है और आपको कस्टमर के सामने रहना है, आपके कॉम्पिटिशन से को लंबा करके आप आपके कस्टमर के साथ में अटैच होना चाहते हैं, तो ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है। सातवां इज आप स्टॉप कीजिए या रिड्यूस कीजिए डिस्काउंटिंग को। तो बहुत बार क्या होता है कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, ये लोग आपको डिस्काउंट करने के पे बोलते हैं कि 30% डिस्काउंट दे दो, 40% डिस्काउंट दे दो। तो ये डिस्काउंट देने के बाद क्या होता है, आपको बचता नहीं कुछ पैसा, और अगर पैसा नहीं बचेगा तो आपका प्रॉफिट कैसे होगा। सो मेक श्योर कि ये आप रिड्यूस कीजिए। स्टॉप करना तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है, बट रिड्यूस कीजिए, जितना हो सके उतना रिड्यूस कीजिएगा डिस्काउंटिंग, जितना हो सके उतना सेल बढ़ाने के लिए हाई कॉस्ट आइटम कस्टमर्स को बेचने का ट्राई कीजिएगा। तो ये जो 7 चीजें हैं, ये आपको आपका सेल्स बढ़ाने में मदद करेंगी। बहुत सारे मेरे चैनल पे लोग हैं जिनका खुद का रेस्टोरेंट है, जो होटेलियर्स हैं, आई होप आपको और जिनका रेस्टोरेंट नहीं है उनको ये अंडरस्टैंड करने में बहुत ही फायदा हुआ होगा, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके चैनल पे आपके दोस्तों के साथ में, और कमेंट कीजिए नीचे। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ने को, और मैं रिप्लाई भी बहुत करता हूँ आपके कमेंट्स को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको मैं अगले वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, दिस इज गोपाल कामत साइनिंग ऑफ, बाय।